नमस्कार, विवेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। मानस मुक्ति केंद्र पिता महेश्वर के प्रांगण में जम्मू कश्मीर से आए महंत स्वामी गोपालानंद जी और साथ में पुरोहित आचार्य प्रवीण शास्त्री अपने शिष्यों के साथ आए मानस मुक्ति केंद्र के प्रांगण में वो भव्य आरती बड़ी ही धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर पंडित अजय शर्मा, पप्पू टिंकू गोस्वामी मौजूद थे। मैं वीके न्यूज से विवेक मिश्रा। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये। जय जय हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में भ्रात्यात्मा हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय, देव की जय, देवाली दर अच्छे दरबार की जय। या अपने उसमें कुछ कोई शंका है, कोई शंका है, कोई हम परम पूज्य परम आदरणीय हमारे जम्मू से हमारे साथ जो सम्माननीय परम पूज्य महंत श्री गोपालानंद जी महाराज, उनकी अध्यक्षता में हम सभी जो जम्मू से गया तीर्थ क्षेत्र में पिंडदान करने के लिए जहां पर पिछले 12 रोज से जहां पर गया नगरी में, पावन नगरी में जहां पर हम बैठे हुए हैं, तो जहां पर आज हमको मानस मुक्ति केंद्र में परम पूज्य हमारे आचार्य प्रणव मिश्रा जी गुरुजी, उनके इस केंद्र में आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम एक ऐसी विभूति से मिल रहे हैं, ऐसे महान शख्सियत से मिल रहे हैं कि जिनका जो है कहते हैं कि जो मन से निर्मल हो, जिनका स्वभाव जो है शुद्ध हो और वाणी में मिठास हो और ज्ञान का जो भंडार हो, ऐसे व्यक्तित्व से हमारा मिलन हुआ है, जो कि राष्ट्रपति जो है सम्मान के लिए जिनको नामांकित किया गया है, तो हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे महान पुरुषों से हमारा मिलन हुआ है। तो हमारे साथ ही हमारे पूज्य महाराज जी, जिनके विषय में मैंने आपको बताया, वो भी जिस जो हम जम्मू से यात्रा लेकर के आए हैं पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में, तो महाराज जी ने जे अथक प्रयास किया, पिछले 5 महीनों से लगातार इस जो यात्रा के विषय में, तो निःशुल्क यात्रा जम्मू से ट्रेन के द्वारा जहाँ पर ज्ञात तीर्थ क्षेत्रों में हमारे जो भाई बंधु, जो माताएं बहनें, कई बार ऐसा होता है कि पैसे की व्यवस्था कईयों के पास होती है लेकिन साथ नहीं होता, कहीं ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की उतनी वो स्थिति नहीं होती, तो कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो लोग आ नहीं पाते इतनी दूर, तो महाराज जी का बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि जो इतने दूर से लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूर वहाँ से हम सबको इकट्ठे करके, तो एक माला के रूप में जहाँ पर हमको लेकर के आए और जहाँ पर ला करके सभी ने अपने अपने पितरों का पिंडदान किया और पितरों की मुक्ति के लिए बड़े ही भाव के साथ जहाँ पर कार्य किया अपना पिंडदान का, और उसमें महाराज जी ने सारी व्यवस्थाएं दी। जब हम पिंडदान करने के लिए प्रथम दिन निकले जहाँ से, तो पहले महाराज जी ने कहा कि किसी भी यात्री को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ खा के नहीं जा रहे, कुछ मरीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाते, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, तो फलाहार की व्यवस्था, फलाहार सबके लिए था। प्राचीन गुआवाला शिव मंदिर
पटली मोड़ की के हमारे भोलेनाथ के आयोजक थे और उनके ही कृपा से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और 18 तारीख को उन्हीं की कृपा से वहाँ एक भंडारा होगा। यहाँ पर मुझे दाढ़ी वाले महाराज जी का जो पुरोहित हैं यहाँ के उनका बड़ा अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने अच्छी तरह से सभी लोगों का पितृपक्ष में हमारे जितने भी संगत आई थी उनके साथ अच्छी तरह से उनका पितृकर्म अच्छा हुआ और प्रतिदिन उन्होंने ऐसा स्थान पे हमारा जगह है जहाँ पे 24 को आशीर्वाद। ये मेरा सौभाग्य है, ये मानस मुक्ति केंद्र का सौभाग्य है। कैसे महाविभूति जो एक संकल्पित ले लिए हैं, संकल्प कर लिए हैं कि मुझे ये काम करना है, लोगों का पिंडदान आदि इत्यादि और समाज कल्याण, और यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत हर्षोल्लास हुआ। और मैं तो ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी कोई सुखी रहें और महाराज जी के सानिध्य में रहें। तो जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक कोई भी मोक्ष के या कोई भी रास्ता नहीं निकलता है। गुरु मिल गए, क्योंकि मनुष्य का जन्म शून्य से होकर ब्रह्म तक पहुंचने की बात है। आइए, ब्रह्म तक की यात्रा गुरु के ही माध्यम से संभव है, दूसरे से नहीं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना मानते हैं।